मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी का एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोग के लिए रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का टॉप 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ। आपको रीजनिंग में यदि पूरा स्कोर करना है तो आप लोग रोज़ रात में 9 बजे मेरे साथ जुड़ के बस ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका रीजनिंग का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर खुद से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10 में से आपका कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला नंबर, गलत संख्या को चुनिए। 36, 54, 18, 27, 22.5, 13.5 और 4.5 UPSSC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए 36 में आप 2 से भागा दीजिए, कितना होगा 18। 18 में आप 2 से भागा दीजिए, कितना होगा 9। 9 में आप 2 से भागा दीजिए, कितना होगा 4.5। ऊपर देखिए 54 में आप 2 से भागा दीजिए, कितना होगा 27। 27 में आप 2 से भागा दीजिएगा, कितना होगा 13.5। देखिए तो हम लोग पूछ रहा था गलत चुनना है, गलत इसमें क्या हो जाएगा। 36 में 2 से भागा दिए 18 हुआ, 18 से 2 में भागा दिए 9 हुआ, यहाँ पे 9 होना चाहिए था जबकि ये 22.5। हम लोग पूछ रहा था गलत कौन है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे 9 होना चाहिए था। हम लोग का आंसर हो जाएगा 22.5, ये वाला गलत है, गलत को चुनने बोल रहा था। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, AZ DW GT JQ, तो यहाँ पे क्या होगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए से आप +3 कीजिए, डी होगा। डी से आप +3 कीजिए, जी होगा। जी से आप +3 कीजिएगा, जी HIJ होगा। जे से आप +3 कीजिए, हम लोग देख के लग रहा है +3 पहला वाला +3 बढ़ रहा है तो यहाँ +3 बढ़ेगा। जे से आप +3 कीजिएगा, क्या होगा M होगा, ठीक है। दूसरा हम क्या हो रहा है, देखिए A का उल्टा Z होता है। हम लोग सुबह जो 9 बजे डेली क्लास चलता है चैप्टर बाय चैप्टर रीजनिंग वाला, उसमें हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। A का उल्टा Z होता है, ट्रिक से भी हम आपको याद कराए थे, ऐसे भी आप जान सकते हैं। दो को उल्टा मिलके 27 पुरता है, ए का 1 होता है और जेड 26 होता है, दोनों मिलके 27 पुरता है। ए का उल्टा जेड होता है, हम लोग ट्रिक से भी याद किए थे, AZ आ जा। उसी तरह से यहाँ देखिए ए का उल्टा जेड है, डी का 4 होता है और W का 23 होता है, दो को उल्टा को जोड़िएगा आप तो 27 पुरता है हमेशा। उसी तरह से GT को हम लोग ट्रिक से याद किए थे, GT रोड। उसी तरह से JQ को हम लोग JQ नहीं याद किए थे। M का उल्टा हम लोग क्या याद किए थे, मेन, MN मेन होता है, M होता है 13 और N होता है 14। अब जुड़िएगा दोनों 27 पड़ेगा, हम लोग ट्रिक से याद किए थे MN मेन। हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, MN बी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, SV का इकलौता पुत्र है, VR से विवाहित है, MR की पुत्री है, RA की दादी है, S निश्चित रूप से A से किस प्रकार संबंधित है। SBI PO 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। SV का इकलौता पुत्र है, S जो है वो V का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब इसका एक ही बेटा है V का, इकलौता पुत्र है तो S। आगे VR से विवाहित है, भी जो है वो आर से विवाहित है, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, अब कौन पति है कौन पत्नी है ये पता नहीं है, ठीक है। MR की पुत्री है, M जो है वो आर की पुत्री है, M जो है वो आर की पुत्री है, ठीक है। RA की दादी है, R जो है A की दादी है, मतलब ये फिक्स या दादी है तो ये क्या हो गया फीमेल है ही और ये क्या हो गया मेल है ही। आर ए की दादी है, दादी कब होगा जब बेटा का बेटा या बेटी, वही ना इसको दादी बोलेगा। आर ए की दादी है, ए की दादी है आर, इसका पता नहीं है अभी कि लड़का है कि लड़की है। आर जो है ए की दादी है, इसके लिए ये पिता हो गया, पिता की मम्मी दादी हो गया।
तो बोला एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए एस को क्या बोलेगा, देखिए ए एस को क्या बोलेगा, पिता बोलेगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है पी एम क्यू एफ सी एफ जे जे, तो यहाँ पे क्या होगा, एस एस सी एल डी सी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पी का अक्षर होता है 16, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं कि किसका नंबर कितना होता है, हम लोग ट्रिक से भी याद किए थे। पी का होता है 16, एफ का होता है 6 और जे का होता है 10। देखिए क्या हो रहा है, आप लोग इसको इसको जोड़ दीजिए, इसको इसको जोड़िएगा तो देखिए 10 6 16 हो जा रहा है, ठीक है, इसको इसको जोड़ दीजिए ये हो रहा है, ठीक है। सी का होता है 3 और जे का होता है 10 जबकि एम का होता है 13। आप लोग हम बोले इसको इसको जोड़ दीजिए ये निकल जा रहा है, इसको इसको जोड़ दीजिए 10 3 13 ये निकल जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ होगा, इसको इसको जोड़िएगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। क्यू का होता है 17, ठीक। एफ का होता है 6, इसको इसको जोड़ने से ये पूरता है तो इसका 6 है, तो 6 को आप कितने से जोड़िएगा जो 17 पूरेगा, 6 को आप 11 से जोड़ दीजिएगा तो 11 6 17 हो जाएगा, तो 11 का क्या होता है के, 11 का अक्षर होता है के, आप लोग इसको और इसको जोड़िएगा तो ये पूर जाएगा 11 6 17, 11 का होता है के, यहाँ क्या हो जाएगा के, बी नंबर ऑप्शन। देखिए पाँचवा नंबर सवाल, यदि गुना का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना और भागा का अर्थ प्लस है तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, गुना का अर्थ माइनस, ठीक है, हम लोग नीचे लिख देंगे गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ भागा है, ठीक है, भाग है, यहाँ भाग का अर्थ प्लस है, अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ प्लस है, तो इसको सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं ये सब कैसे बनता है, बोर्डमास नियम से, बोर्डमास नियम आप लोग जानबे करते होंगे, बोर्डमास नियम क्या होता है देखिए बताते हैं एक बार हम। देखिए बी से ब्रैकेट, ओ से ओप का, डी से डिवाइड भागा, एम से मल्टीप्लाई गुना, ए से एड जोड़ और एस से सब्ट्रैक्ट मतलब घटा होता है। पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट नहीं है, ओप का होता है का नहीं है, डिवाइड, डिवाइड होता है भाग है, पहले जहाँ जहाँ भाग है पहले भाग वाला काम होता है, भाग यहाँ है। देखिए ये 7 उतारिए, ये माइनस उतारिए और 28 को आप 7 से भाग दीजिए, कितना होगा 4 होगा, ये 16 हो गया 4 हो गया, प्लस बचा 31 गुना 4 प्लस 11। देखिए इसको इसको गुना कीजिए आप, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, 4 1 4 4 3 12 124, 7 - 4 प्लस 124 प्लस 11। अब लोग देखिए 7 में 4 गया 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए 127 प्लस 11, 127 11 कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा आंसर हम लोग का। देखिए 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 158 384 140, तो यहाँ कितना होगा, RRB LP 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 158 से इतना बन रहा है तो इतना से कितना बनेगा, देखिए 158 से 384 कैसे बनेगा, 158 को आप लोग 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा, 316 में आप 68 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 14 1 4 6 1 7 1 8 3 1 3, 384 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से गुना कर रहे हैं और 68 जोड़ दे रहे हैं, उसी तरह से इसको आप 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 14 28 280, इसमें आप 68 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 8 14 1 3 348, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, संख्या दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है, N का 1 P 2 O 3 A 4 C 5 L 6 M 7 I 8, इसमें एक अर्थपूर्ण शब्द छुपा हुआ है,
आपको शब्द खोजना है, या तो आप यहाँ से ही देख के पता कर लीजिए कि इसमें क्या कौन सा अर्थपूर्ण शब्द है, या तो आप बाय ऑप्शन बना सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए अर्थपूर्ण शब्द क्या छुपा हुआ है इसमें, हम लोग यदि पता कर लिए तो ठीक है, नहीं तो बाय ऑप्शन बनाना पड़ेगा। बाय ऑप्शन देखिए कैसे बनाएंगे, पहले पाँच है फिर तीन है, पाँच में क्या है सी है, फिर तीन में क्या है ओ है, सी ओ, फिर दो सात पी एम, पी एम उसके बाद क्या है सिक्स फोर, सिक्स में है एल ए, सिक्स फोर एट वन, एट में है आई, वन में है एन, आई एन। देखिए तो इसमें अर्थपूर्ण शब्द है नहीं है, उसी तरह से इसको देख लीजिए, पाँच तीन, पाँच तीन सी ओ, सी ओ, सात दो, सात एम पी, सात दो छः चार, छः एल ए, एल ए, उसके बाद क्या है आठ एक, आठ में आई, एक में एन, आई एन। देखिए तो इसमें कोई अर्थपूर्ण शब्द मिल रहा है, हाँ देखिए कॉम्प्लेन, कॉम्प्लेन लिखा हुआ है ये, तो बाय ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन में हम लोग रखे हैं इसको, तो कॉम्प्लेन बन रहा है। और यदि आप लोग पहले यही सोच लेते हैं, यदि दिमाग लगा लेते हैं आप लोग कि कॉम्प्लेन बन रहा है तो यही आंसर बन जाता, और यदि नहीं कभी कभी दिमाग में आता है तो बाय ऑप्शन भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए आठ नंबर सवाल है, जी एफ ई डैश आई जी डैश ई आई आई डैश एफ ई आई डैश जी एफ डैश आई आई, ऐसे सी जी एल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप लोग सबको गिन लीजिए कितना अक्षर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस अक्षर है। आप लोग को जब भी ऐसा सवाल मिले पहले इसका पूरा अक्षर गिन लीजिए, बीस है, बीस अक्षर रहे तो आप लोग पाँच का भाग बना लीजिए, 16 रहे तो चार का भाग बना लीजिए, और 12 रहे तो तीन का भाग बना लीजिए। बोलिएगा भाग बनाने से होगा क्या, भाग बनाने से आप आंसर के काफ़ी करीब पहुंच जाइएगा। तो 20 है, 20 को हम लोग चार या पांच भाग में बांट लीजिए, हम लोग इसको पांच पांच भाग में बांट लेते हैं, चार चार भाग में भी बांट सकते हैं, पांच पांच भाग में बांट लीजिए। देखिए पांच पांच भाग में बांट लीजिए, उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ नंबर रहे हम लोग पहले वहीं जाएंगे, और ज़्यादा नंबर शुरू या लास्ट में रहे तो सबसे पहले वहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे तीन अक्षर हैं जी एफ ई, पहले यहीं देखते हैं, देखिए जी एफ ई डैश है फिर आई है, ठीक है, आप लास्ट में देखिए जी एफ, जी एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, समझिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे डैश है, और फिर लास्ट में आई है, लास्ट में आई है, मतलब हम लोग देख के ही समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे जी एफ ई है, यहाँ पे जी एफ डैश है, मतलब ई आप ई यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा जी एफ ई आई आई, देखिए जी एफ ई है डैश यहाँ पर चले और आई भी है, मतलब यहाँ भी आई लगा दीजिए लास्ट में है, तो जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, हम लोग समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। उस तरह से यहाँ भी जी एफ ई आई आई हो गया, जी एफ ई आई आई हो गया, इसी तरह से बन गया, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा आई एफ जी, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। नो नंबर क्वेश्चन देखिए, टी एफ 130 एल बी, तो यहाँ पर डैश क्या होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जानते हैं टी का अक्षर होता है 20, ये आप लोग को हम सुबह 9 बजे जो चैप्टर बाय चैप्टर जिसमें रीजनिंग पढ़ा रहे हैं उसमें हम पढ़ा चुके हैं, यदि आप लोग को वो पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। टी का होता है 20, एफ का होता है 6, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए 20 6 26, और 26 को आप 5 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 130, ठीक है, क्या कर रहे हैं इन दोनों का नंबर जितना है उसको जोड़ के 5 से गुना कर दे रहे हैं तो ये निकल जा रहा है। उसी तरह से देखिए इसमें भी उसी तरह से करेंगे, L का होता है 12, B का होता है 2, ये दोनों को जोड़ दीजिए 12 तो 14,
और दोनों को जोड़ के पाँच से गुना कर दे रहे थे, इसको आप जोड़ के पाँच से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, चौदह पंचे सत्तर, सत्तर हो जाएगा यहाँ पे, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दसवां नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एम एन ओ पी एक गोल मैच के चारों ओर बैठे हैं, एम पी के पास नहीं बैठना चाहता है, एन पी के दाएँ हैं, नीचे का कौन सा कथन गलत है। आर आर बी एल पी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक गोल मेज में चारों बैठे हुए हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। एम पी के पास नहीं बैठना चाहता है, एम जो है वो पी के पास नहीं बैठना चाहता है, ठीक है। एन पी के दाएं हैं, एन जो है एन पी के दाएं हैं, इसके लिए दाया इधर हो जाएगा। आप लोग यहाँ भी P और यहाँ N मान सकते थे, कहीं भी मान सकते हैं। N P के दाएं हैं, N जो है P के दाएं हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखे थे कि M P के पास नहीं बैठेगा, M जो है P के बगल में नहीं बैठेगा, तो जगह एक क्यों खाली है, मतलब M यहाँ बैठेगा, बच गया एक ठो O, वो यहाँ बैठ जाएगा। बोल रहा नीचे का कौन सा कथन गलत है, तीन को सही है मतलब एक ठो गलत है, वही आंसर है हम लोग का। एम एन के दाईं ओर है, एम जो है एन के दाईं ओर है, सही बात है, ये सही है। ओ पी के दाईं ओर है, ओ जो है पी के दाईं ओर है, नहीं ये गलत है, ओ पी के बाईं ओर है, जब दाईं ओर नहीं है, ओ पी के बाईं ओर है, ये गलत हो जाएगा, मतलब हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा गलत है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ओ एन के सामने है, ओ एन के सामने है, ठीक है, सही है इठो। एम पी के सामने है, एम पी के सामने, ये भी सही है। हम लोग से पूछ रहा था कौन सा गलत है, बी नंबर गलत हो जाएगा, ओ पी के दाईं ओर नहीं है, जब बल्कि ओ पी के बाईं ओर है। दोस्तों आज का हम लोग 10 को क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डेली मेरे साथ रात 9 बजे जुड़ करके रीजनिंग का 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग डेली आधा घंटा मेरे साथ रात में 9 बजे जुड़ के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आधा घंटा आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।